अयोध्या लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नक्षत्र और चंद्रमा के अनुसार आपका किस पाया में जन्म हुआ है, कौन सा पाया शुभकारी होता है और कौन सा हानिकारक होता है। तो सबसे पहले जानते हैं नक्षत्र के अनुसार। यदि बालक का जन्म आर्दा, पूर्णवसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति इन नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो चांदी का पाया माना जाता है। चांदी का पाया शुभकारी और लाभदायक होता है। अब जानते हैं दूसरे पाये के बारे में। यदि बालक का जन्म विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सतभिषा इन नक्षत्रों में जन्म हुआ हो तो तांबे का पाया माना जाता है। तांबे का पाया भी बहुत लाभदायक और शुभकारी होता है। अब जानते हैं तीसरे पाये के बारे में। यदि बालक का जन्म रेवती, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा इन नक्षत्रों में जन्म हुआ हो तो सोने का पाया माना जाता है। सोने के पाये में धन हानि और बालक के लिए कष्टकारी रहता है। अब जानते हैं चौथे पाये के बारे में। यदि बालक का जन्म पूर्वा भाद्रपद या उत्तरा भाद्रपद में जन्म हुआ हो तो लोहे का पाया माना जाता है। लोहे का पाया भी शुभ नहीं माना जाता है। ये पाया भी बालक के लिए कष्टकारी रहता है। अब जानते हैं चंद्रमा के अनुसार पाया जानना। जब बालक का जन्म घर में हुआ हो तो उस समय चंद्रमा का पाया देखा जाता है। लगन से चंद्रमा जिस भाव में हो उसी अनुसार पाया देखा जाता है। यदि कुंडली में पहला भाव, छठवां भाव या ग्यारहवें भाव में चंद्रमा हो तो सोने का पाया माना जाता है, जो कि हानिकारक होता है। यदि कुंडली में दूसरे भाव, पांचवें भाव या नौवें भाव में चंद्रमा हो तो चांदी का पाया माना जाता है, जो कि लाभकारी होता है। यदि चंद्रमा तीसरे भाव या सातवें भाव या दसवें भाव में हो तो तांबे का पाया माना जाता है, जो कि सुखदायक होता है। यदि चंद्रमा चौथे भाव, आठवें भाव या बारहवें भाव में हो तो लोहे का पाया माना जाता है, जो कि बहुत ही कष्टकारी होता है, हानिकारक होता है। यदि बालक का जन्म लोहे के पाये में हो तो शनि ग्रह का दान कराना चाहिए। यदि सोने के पाये में जन्म हुआ हो तो सोने का दान कराना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहें, आनंद में रहें, भगवान का भजन करते रहें। जो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, आगे से आगे शेयर करें। आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।